एक समय की बात है, नारद जिनी बात रद्द नहीं कर सके। आजकल नारद किने को कोई आगे पाछी करे चुगलियों करो उन कहो नारद, लेकिन वो नारद वो था जो भगवान विष्णु नो मन हो, अगर नारद जी कह दे तो मगन जी अवतार लेड़ो पड़तो भगवान ने। तो एक समय नारद जी महाराज नारायण नारायण करता बेटो कीड़ा सूरत मत आया। आप सुन जो ते बड़ी बात है और घणो लंबी और वृतांत नहीं है, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ओ वृतांत सुन लियो मगन जी हकीकत री बात है, ओ वृतांत से सुन लियो तो थोड़े 68 तीर्थ करोड़ो थोड़ो बराबर नहीं, 68 तीर्थ करो तो कितना पया लागे हम वाली जो पयो लागे नहीं टक्को कम हुए पक्को। तो नारद जी महाराज भगवान शंकर फल लगाड़ा बैठा पार्वती की सेवा करे, नारद जी के मैया थे काई करो, नारद जी पार्वती के थनदी के कौन डोकरे सेवा करो, अरे सेवा करो जो तो मन दी के जाओ ही तो बालाजी जागर पीछे नहीं जानो वो काट दी काट दी मैंने काट दी। बोलो बालाजी महाराज की हो। तो कहे मगन जी पार्वती जी के डोकरा डोकरे सेवा करो नारद जी, अरे सेवा करो तो कहते मन दी के पण डोकरो पल लगाए ने कितो टाइम होयो नारद जी है कौन पार्वती के 12 महीना होगा खोल करो के खोले भाई बारे बरौ ने खोले बारे जुगो यहां रो भरोसा को नहीं पल लगाउनी टाइम है खोलनी टाइम नहीं। तो नारद जी के भैया थेट 1 लाख करो कई भाकर में थोड़ी बहन विष्णु भगवान ने जड़ाड़ी लिख लीजी थाने बुलाया है। अब मगन जी बुलाया कीणी नहीं हां वो हां कूड़ा बोल गया 2 मिनट उड़ तूली बाण धके रबने। अब पार्वती मन में विचार करियो बिरमा जी रे पुत्र ने झूठ थोड़ी बोले पण आ ठाक कोनी हास बोलनी होगन खादुड़ी हां तो बोले ही कोन। अब पार्वती जी देख के मोटी बहन है बुलाया है नहीं जाओ तो ओल मेरा ढंग वही पर आज हम मन ही देखो खीम जी बुलाया तो मैं आया हूँ। आज खीम जी गांव में निमंत्रण करियो तो तोई हैंग आप या लोग आया हूँ कभी लिखे पर कर पगनी मिलनो बिना मान मनवार इंदन आवे दई कने आदर और सत्कार आव नहीं आदर नहीं नहीं नेणो में ने उन घर नहीं जाऊनो चाहे कंचन बरसो में आव जठे आदर जठे है नेणो में ने उन घर सदैव जाऊनो चाहे पत्थर बरसो में। गुरुद्वारो ठाकुर मंदिर सत्संग रो सार अगर जे नहीं मिले बुलावो तो भी जाइए सो सो वार। मगन जी कटी गुरुद्वारो है या कटी सत्संग चलती वे या मंदिर है या पच कटी खमेरी जरूरत पड़ता तो इंतजार नहीं करना के मोहर गिरे बुलावो आयो बट दानो दे। तो पार्वती जी रे पार्वती जी लक्ष्मी ने द्वार बिगर बुलाई जावे हैं और कहीं आवादर हुए हैं और कहीं यहाँ लंका बने हैं कहीं बातों बने हैं। उमा चली पे कूट द्वारे ओ उमा चली पे कूट द्वारे अरे नारद जी वरमाई रे ये मान समान नहीं की ना लक्ष्मी मन ही मन पतराई मान समान नहीं की ना लक्ष्मी मन ही मन पतराई उमा चली बैकुंठ द्वारे नारद जी भरमाई
फरमाई बार समान नहीं कीना लिचवी मनी मन पछताई पछताई पारती जी बैकुंठ दे रे के लिचवी जी बतलाई कोनी कोनी पारती जी घंटो एक गेट मा उभी रही पण लिचवी जी होमे ही नहीं जोई अरे पारती देख के बिगर बुलाई तो आई कोनी हैं दादा आपरो के नाम है मोहन जी कौन जी कौन जी पार्वती मन में विचार करे बिगर बुलाए तो आई कोनी अरे नारद जी कहे तो आई अन आ बेटल बाप घमंड में आ तो हम ही नहीं जो घंटो एक होयो घर तो अपन ही है अपन खोटी के हालो पाता हां अब पाती रवण वण लागे लिचली दे के हल्ली बन जाई रियो नहीं बतलाई तो पूछो कौन पार्वती तू कहां गए तू कणा आई पार्वती के घंटो एक होयो गेट में डूबियो कणा रही लिचली जी के ओ गेट में तो थोई जी कहां तू जी बड़ कौन अब लिचली जी कई मेणी दे के मैं तो देखियो कोई जोगण उभी वेला हां जी कौन भी जोगण 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 नाम लेके मने याद आ गई एक बार मगध जी माऊ गांव को जोधपुर आओ तो जोगो और बड़े सर कने कोई जोगण चढ़गी बस में अरे कन्नट रायो भाड़ो लेओ ने जोगण कहे जोगण के जगण भाड़ दे के मैं तो स्टाफ हूं कन्नट रे हूं 40 लाख री सिल्वर लीड करू तू झाड़ू लीड पर स्टाफ होई की कर के मत पूछो दाता आप तो स्टाफ हो अरे होई की कर के हूं घर घर मांगू थे बस में मांगू मांगू थई और मांगू भाई भाड़ो दियो इको हे स्टाफ के जोगण की कर तो पार्टी ले लीच में जी के जोगण जको जोगी री पत्नी जोगणी जो है कोई महारानी तो होनी नहीं तो पार्टी के मारा पति जोगी जो कर के तो सुन मारी बात काई कहवे ए लिचमी बोली सुन ले गवरा अरे सुन ले बात हमारी लिचमी बोली सुन ले गवरा सुन ले बात हमारी तेरा पति गणनाग रखे शिव जोगी तारी तेरा पति गणनाग रखे शिव जोगी तपदारे हमारी तेरा पति गढ़ नाग राखे शिव जोगी तपधारी तपधारी थारो पति गढ़ में नाग राखे नाग बोली छबड़ी में राखो जोड़ी में राखो गढ़ में राखो जोगी धोया करे ओए स्टाफ भी जो है पार्टी के ओ हो देखो देखो मोड़ो धनी छोटो खापड़ो रागड़ो जग जोगी होगो जणा थोड़ा पति देव तो मोटा जोगी के की कर के होण मारी बात अब पाछी पार्वती मेणी दे क्यों आपने दीवाने मगन जी के लुगाए खाए भी रहे जाओ पर कहे भी ना रे कौन किलो धोन करदा लेकिन बात खटे कौन पार भी ना होण के काई गवरा बोली सुने लिसनी सुने बात हमारी शीर सागर में देख ले विष्णु सेंस की सेंस सवारी थोड़ा पति देव थोड़ा पति देव शीर सागर समुद्र में किलोमीटर भाव में हापड़ बिछाई हीरा किया ना पगवा किया ना ऊपरी टेंट हापड़ो और उन माते भगवान विष्णु पोड़ियोड़ा उन माते थूई बैठी भगवान विष्णु रा चरण दबावे इन वास्ते मोटो दोगी थोलो धणी ने मोटी दोगण वाह तू लिचवी जी की बात बनी थी एक मैंनी बड़ पाड़ दी तो कहीं था जाती रही कहीं के थारा पति तो भिखारी है के भिखारी की करके सुन मारी बात अब कहीं कहे अरे लक्ष्मी बोली सुन ले गवरा लिचमी बोली सुन ले गवरा अरे सुन ले बात हमारी ने
राजा बली के द्वारे तेरा पति तो मंगन चला राजा बली के द्वारे उमा चली पे खून दवारे ओ नारद जी परमाई मन समा की नाल जमी मन ही मन बदलाई शंकर भगवान की जय हो। आज एक रिश्ते को निवेदन है हैंगा नहीं बैठा बैठा ने एक तो रोज ने कहनो करो नहीं करो थोर मत इच्छा अनुसार है पण आज जको प्रसंग शेड्यूल है नहीं घणो लंबो कोने आज फोन घंटा रिया पण इन प्रसंग ने बीच में जाई जो एक निवेदन है तो ही जाई क्यों क्योंकि कहवे नहीं के का तो तिल कोरा भला का लीजे तेल कढाई अद बिजली कूलर कौन जी दोई घणो सो जाए हैं तो मगन जी लगे कहे लक्ष्मी बोली सुन ले गवरा अरे सुन ले बात हमारी तेरा पति झोली डंडा राके शिव जो की तबदारी थारो पति झोली डंडा राके घर के भिक्षा मांगे पार्वती के होण है थोले घणीर कने घोटान चक्रियान पदम नहीं ए मार पति रे जुड़ा है क्योंकि घणो कमट काम हती के क्यों के मोलो डोकरो बोटन में ही दियो एक भजन होणियो वाला थे के दिन दिन भोले नाथ बांट लिए तीन लोक एक पल भर में ऐसे तीन दयालु दाता कोड़ी ने रखी अपने कर में ब्रह्मा को वेद दिए बना दिया जगत का अधिकारी विष्णु को सूत्र शंकर दीना लक्ष्मी सुंदर नारी इंद्र को स्वर्ग दीना ऐरावत बलकारी कुबेर को सारी संपत्ति का बना दिया भंडारी आप तो नित नशे में रहते भांग और गांजे चक्कर में दिन दिन भोले नाथ बांट लिए तीन लोक पल भर में ऐसे दीन दयालु दाता कोड़ी ने रखी अपना अपना मोलो डोगड़ो गोंदेर चक्र में हैं मोड दिया पण झोली डंडा राखे तो है पण जावे तो हागे रूप में जावे अरे थोड़े धणी वाले जो डिजाइन सेंस को करे के की कर के हुन मारी बात गबना बोली सुन ले लक्ष्मी सुन ले वचना मारे अरे तेरा पति तो मांगण चालिया राजा बली के द्वारे मारो पति जावे तो हागे रूप में जावे लेकिन थोड़ो धणी छोटा बन गया पावन अंगला जान बन गुड़ ढाई पौंड जमीन मंगी और बलि ने शुक्राचार्य घणी मना करियो कहीं गयो अरे अरे मत दे दान जमीन को बलि राजा हे मत दे दान जमीन को
ढाई पौंडा जमीन क्यों मांगे? क्यों बलि राजा के मरा जमीन खाली ढाई पौंडा? भगवान वामन अवतार कर रहे के देख भाई मारो शरीर काया नहीं है, मने तो एक सिर्फ बैठे नो पौंडे दीदी जमीन ढाई पौंडा मारो हरी दे और ढाई पौंडा दीदी सही जाई मारो हो सकुन बैठ सकुन माड़ा फिर सकुन। बलि राजा के महाराज और नजर पड़े कुछ जमीन धोरी के नहीं भाई तो के ले लो ने संकल्प कर। शुक्राचार्य के थारे दादेरा गिड़ का पड़दादेरा गिड़ का ये गड़िया हिरण्यकश्यप ने क्यों हिरण्यकश्यप एड़ो हो मगन जी? अरे हिरण्यकश्यप जैसे आप कोई पट्टो लाओ मकान रो जो वो पट्टो लिखान लायो तो भगवान कनु केड़ो ब्रह्मा जी मन दिन मरुन रात मरुन मोय मरुन बार मरुन ऊपर मरुन नीचे मरुन गाव मरुन गोबे मरुन आज मरुन जान मरुन अस्त्र मरुन शस्त्र मरुन घोटे मरुन घोटे मरुन को बार महीनो मरुन ओ इदक मासो इनकार नहीं लगे हो नरसिंह रूप धारण कर उन्हें मार दियो। अरे हिरण्यकश्यप ने बलि राजा ने शुक्राचार्य के पति है लक्ष्मी को घना घना ना छींको आना दी तू मत कर कह नहीं गुरुदेव मेरे द्वार पर कोई चाहे ब्राह्मण हो चाहे और मेरा है मारो एड़ो भाग है कि भगवान मारे हाथे करने आया जाए तो जाए तथा संकल्प करियो। मगन जी दो पौंड स्वरूप लोग मृत्यु लोग तीन लोग तो ही नाम दिया बाकी बली संकल्प पूरा कर जगा कर हमें बली के हो और पग दियो दो सीधो पताल और पताल में दौड़ियो भगवान पग पातो चरण ऊपर जाऊ लागो पग पकड़ दिया जाओ ही दो मन छोड़ चार महीना बलि पग छोड़िया को भगवान रा अरे और सोमा सोमुद्र नु शुरू होयो चार महीना भगवान आया नहीं। जड़ो नारद जी ने पार्वती जी के लक्ष्मी ने के थे पूछो नारद ने के भाई भगवान कटे हैं? जड़ो नारद कहयो के बलि रे चौकीदार बन रे बेटा है तो हम छोड़ा ना की करिया तो के लक्ष्मी ने बहन बलि रे बहन को जनो लक्ष्मी जी ने पार्वती के थूठ की बलि द्वारे जान हूं भूखुग डुकी बलि पूछो बाया रोए क्यों के मारे जमण गयो धीरो कोनी धर्म रोई भाई को बलि के मारी बहन को रक्षा बंधन राग तो पहला री टाइम हमें तो बहन रागड़ी लावे कोन उणो पहला होरी बे राग दे पण पहला बहन पहला अर्जुन जी रागड़ी कोन थी नी तो बूढ़िया पता कहता बहन थाने गेणो थई जाए रिपे थई जाए कपड़ा थई जाए जो ही लक्ष्मी जी रागड़ी बांधी बलि के मांग बहन मांगे सोई दऊं उन टाइम के थारे बहनो दिन छोटे कने बेटा बाप चार महीना होया पकड़ेड़ बैठो हां पार्वती के देख तीन लोग थारे धणी ने दिया थारे धणी री भूख मिट्टी को जनो मोटो भिखारी थोड़ो धणी थारे धणी ने तू मांग लाई ने वास्ते मोटी भिखारण देख रे दाल घणी कई कई हैं क्योंकि बली री मां बिलोचन रे कहवे नौ सतिया नौ रानियां ही जिन टाइम बिलोचन खत्म हो गयो जनो आठ वीर महीने उम्मीद की आग क्योंकि आग गर्भवती थी और बलि गर्भ में हो जनो बिलोचन री मां कहयो भली हुई जली नहीं मैं बिलोचन के साथ मेरे कोख से ऐसा पुत्र हुआ जो हरि ने मंडा दिया। ऐ बेटा हैं हमें तो हरि ने कहीं माँ बाप ने हाथ मंडा दे के बेटा रोटी दे भाई बेटा तो अब लक्ष्मी देखियो हमें इन्हें की कोता बोली रे लक्ष्मी जी क्या सुन पार्वती मारे रत्नो धड़ी ते बे टूटे अन थारे रेवण नमाज ते खीपड़े आलो छपड़ियो ही ठायो रो कोनी क्यों किरायरा मकान जल्द करे जो भाकर जल्द करे करे। लक्ष्मी बोली सुन ले गौरा सुन ले वतना मारे हमरे तो बैकूट कही दे नहीं है भवन तुम्हारे तुम्हारे अरे बेटे बापन तुम हमारी बराबर कट कर सके थारे रेवण ने छपरियो ही ठाईड़ो है कोनी नहीं। लक्ष्मी जी कहजो अटे पार के वो अटे मार खा गई घणी के डोकरे ने छोटो मोटो कमरो बनाओ पण फने ठहर अरे अब पार्वती दीदी अंबाला मगन जी कैलाश पर्वत माता आवे डोकरो पल लगड़ बैठा अब एक विचार करे जगाऊं एक विचार कर नहीं जगाओ पच कह रहे हमें नहीं जगे तो री ठंडी पड़ जाएगी और री में तो मगन जी तुरता तुरत काम हुए अरे जागो भले ना जागो शंकर भगवान कह क्यों माड़ा में विघ्न करे कई चाहिए बोल पार्वती के डोकरा मकान चाहिए। अरे पार्वती हो झाड़ो तने कह बड़ायो बड़े कह नहीं डोकरा बनाणो पड़ी
पार्वती शंकर भगवान के पार्वती अपन मकान लिखियो को रे कोनी बना ले काई रे कोनी पार्वती के नी बनाओ तो काई लिखियो को अरे पार्वती मैं तने कहूं लिखियो को पार्वती के नी बनाओ तो काई लिखियो को बनाओ अरे पार्वती घणो आरो बना जा पण लोग अपन रेवण को दे पार्वती के भले आधा घंटे बाद बनाओ पण बनाओ बनाओ अब थोंटा तिरिया राज जोग हट बाण चार प्रकार हट लेकिन तीन हटड़ा एक जगत में पूरा नहीं आती भगवान ने कहो भगवान पार्वती के अपना डोकरा घरवास टूट गई मन था नहीं तो भगवान रा कारीगर कौन विश्वकर्मा विश्वकर्मा जी महाराज की जय हो बुलाया के मकान बनाओ तो आजकल आपने जो है ठेकेदार साहब ही कहे कि भाई मकान बनाओ तो कटा प्लॉट केड़ो लक्षो शंकर भगवान के प्लॉट तो हैंग अपनो ही जेतार नजर पड़े तो बनाए दे लेकिन नक्शो पार्वती ने पूछ ले भाई खेमजी रे मकान जेड़ो बनाओ तो मगन जी रे मकान जेड़ो बनाओ तो जगजी रे मकान जेड़ो बनाओ तो कौन जी रे मकान जेड़ो बनाओ तो मोहन जी रे मकान जेड़ो बनाओ तो अर्जुन जी रे मकान जेड़ो बनाओ केड़ो बनाओ भूख जी रे मकान जेड़ो बनाओ पार्वती के नक्शो तो भाकर देख के कोई जो तो प्लॉट प्लॉट देखियो कोनी पण बैकफुट देख गयो है अरे चार गुना सुंदर चार गुना मोटो तो आपने जो है देखो संसार मालिक की पलक में सृष्टि रचा सके बन मकान बनाते की टाइम लागे कोनी हां समुद्र पार माते से भगवान शंकर माला हिरण और स्तन चुनियो तो अरे उन्हीं स्तन माते मकान बनायो और उन मकान रो काई नाम दिलायो शिव भवन शिव भवन अब पार्वती ने क्या पार्वती मकान बन गो पार्वती के हालो ए बोंगाला बाटा दूजा ही ले हो अपने शंकर मकान के ठहरता ये बीच कड़ी बोंदरी करे जो क्यों कर ठहरता मकान बनाओ तो नहीं मोर मकान बनाओ हो रो को रेणो डोरो है बों खावणी हो रही पण लेरो खावणी डोरी है कि क्यों के मकान प्रतिष्ठा करनी पड़ी पार्वती के ओ झाड़ो मोटो है कौन जी के इन झाड़े में होई काई के देखो मरा ने बुलाना पड़ी हवन कराना पड़ी जागणी ने बुलाना पड़ी जागण कराना पड़ी भाईणा ने बुलाना पड़ी जी मने बनाना पड़ी बहन बेटी ने बुलाना पड़ी पावणा ने बुलाना पड़ी ओडोणी करनी पड़ी थई 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 कोने काम है करना पड़ी पार्वती तो मट गयो पार्वती के बाकी आलम देवली हिगरी ने तो दोन पूरो काम थी बहु मने कोई लेण देणो कोने लेकिन विष्णु भगवान ने बुलाओ जो मारे केणो बुलाई दो शंकर भगवान के मन ठाए आ तूड़ी उठूं बालोड़ी आ लाई उठूं लागोड़ी है पार्वती कहीं कहे डोगरे ने अरे कबर बोली सुन लो शिवजी शिवजी अरे सुन लो वचन हमारा अरे विष्णु जी को लक्ष्मी सहित जोड़े से बुलवाना दोन में तीनी शिव जी शिव दत्त ने यश गाए शिव भोला रे भंडारी रे डोगरा शिव भोला भंडारी रे तीन लोक में महिमा तुम्हारी शिव भोला भंडारी मकान देख लो कोई खंडो आगो पा तो करो अरे तू कहती है बड़ा ही कौन अब पार्वती कह रहे हमें रिचवी कह रही है कि कौन था बोली रहे
लिच्छवी जी के हम पार्वती अगर मैं थने नहीं कहती तो थारो बन तो कोनी ठीक है नहीं रेवण वास्ते ठिकाणो होगो नहीं भागरा में ही अमरती हैं अब आवन करावण वास्ते कौन आवे पुलिस तो मुनि रा पुत्र जो सात मुनियों में सबसे बड़ा मुनि है पुलिस तो मुनि और पुलिस तो मुनि रा पुत्र है विश्वरूषि जो रावण ना पिताजी और उन समय रावण आप माता के केक सिर गर्भ में होकर रावण माता नाम है केक सिर रावण की माता नाम एक सी गर्भ में होया करे रावण उन टाइम नारद जी कह रहे रावण हेंगू संसार में उम्र थारी हली हेंगू टणको राजा थू वेला और हमें टणके राजा ने टणको मकान नी वेदनो पद की बात ही कोई और मकान हमें डोकरो दिदे महादेव जी ने पद थारे हजार पूरी खपती पणे को क्योंकि रावण की उम्र कितनी होती मगंदी 1,87,43,220 वर्ष 14 चौकड़ी मतलब है युग 4 है चार चार से चौदह चौकड़ी वे जनो तो एडो राजा ने एडो मकान हमें मिल सके रावण के मैं लऊं की करके तू तो मैं तो गर्भ में बैठो तो के गर्भ में उद्यम मता मां पुतला पेटा कहीं चाहिए जाए तू वचन मांग ले और मां आपरे पति को वचन मांग ले यो वचन बंद हो और महाराज विश्वरा ऋषि हवन करावण गया हवन करा दिया ने शंकर भगवान के महाराज दक्षिणा महाराज के संकल्प करो शंकर भगवान के संकल्प की कट जरूरत है तू मांगे तो दे दूं के नहीं बाप माना कोने पछे लुगाई रखण नट जाओ तो पहला संकल्प तो मगन जी पहला रीते मोहन जी अगर संकल्प करता नहीं तो माथो मांगता तो ही देनो पड़तो संकल्प करियो और महाराज मकान में नजर घुमान खेव जी मैं को मांगू न हो थे हम ही दो कहता खेव जी मकान 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 हम जो करो केवरी इयर तो पलक लागे बनावते अन अपर हजारो पीड़ी पी जाई केवे डोकरा मकान नी दीदो शंकर भगवान के तथा अस्तु ले करी मैं तो ओई चाऊ मैं तो इन पार्वती कहने कहने वो झाड़ू कर दियो तुम्हारा भागरम हो रो अब मगन जी पार्वती उगी उगी देखे मकान महाराज रे लेके लेके एक हिम्मत में हेड़ लाग गयो शंकर भगवान कहयो पार्वती ने बड़ बनाई मैं तने कहयो शंकर भगवान पार्वती कह रहे बमणिया एक दिन रेवण देणो तो बेटरा बाप ही तो दोरो बना एक रात नहीं रेवण दी शंकर भगवान कह भाई लीवी वाला बारी में गोगो दिन घूमे उन कहते बाहर आ जाओ हम अपन ठिकाणो इतो जो और मगन जी उन टाइम पार्वती ने काल जन झाड़ उठी और उन टाइम पार्वती कहीं कहो सुनर महाराज गबर बोली सुन ले इस शिव नगरी का नाम होगा एक दिन लंका राम दूत वानर आएगा जो बजा जाएगा लंका कबर बोली सोने ब्राह्मण इस शिव नगरी का नाम होगा एक दिन लंका और आज तो शिव नगरी है लेकिन एक समय ऐसा आएगा इस भवन का नाम हो जाएगा लंका एक राम दूत वानर आएगा जो बजा जाएगा लंका जो मारो काल जो बलियो जीव आ झाड़ो झाड़ नी वे तो नो मारो पार्वती तो लंका कौन जाने कहवे मगन जी अरे आठों लंका जाने स्टार्ट कहानी में कि राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी तो हरण हो जावे और आज की तारीख में मैंने हॉस्पिस नगरी थोर देखड़ वेला जटे हॉस्पिस भुवनेश्वर कर्नाटक में हॉस्पिस नगरी उठे पहला पंपापुरी नगरी हुई और पंपापुरी नगरी का दो भाई आ सुग्रीव और बाली तो बाली कहीं सुग्रीव ने देश निकालो जीरो और सुग्रीव रहे तो किसकंदा रहे मैंने ऋषि मुख पर्वत पर मार क्यों रहे तो उठे बाली नहीं आओ तो क्यों बाली ने ऋषि सोग्रीव रो श्राप लागो रो अगर बाली आवेला तो जिंदो नहीं जाए और सुग्रीव रे उठे रहे तो सुग्रीव रा सेनापति आ हनुमान जी महाराज बोलो बालाजी महाराज की जय हो और सुग्रीव वे राम जी लक्ष्मण जी सीता री खोज रे मन उन पर्वत रे नीचे निकल लागा अरे और सुग्रीव री नजर पड़ी सुग्रीव हनुमान जी ने कह जा पतो करना ए कोई बाली दा दूत तो नहीं है ए कोई खोज खबर करने तो नहीं आया अपना कोई गुप्त भेद लेवन तो नहीं आया हनुमान जी महाराज ब्राह्मण रूप धारण कर राम जी ने जान पूछन लागा कौन कठों आया राम जी के मैं आयो जन राजकुमार दशरथ जी रे बेटा हूं और मारो नाम राम है इनो नाम लक्ष्मण है जेड़ा लक्ष्मण जी के मारो बाबू सारो हरण हो गयो है और मैं बन बन फिरो राम जी घटघट रा अवतार वो शंकर भगवान रा अवतार होता के जो कंठ में वो जहर दिख गयो
कि आओ हनुमान। राम जी कहते हैं अरे प्रभु आप, आप, आप हाँ तो असली रूप में जय श्री राम प्रणाम किया और हनुमान जी महाराज के प्रभु मारिए विनती है कहीं अरे कहीं विनती है कि बाप भी थोड़ी बीमारी ने सुधरी हुई बीमारी हाग गई कहीं थोड़ी बीमारी सुधरी हुई बीमारी हाग गई की कर कर सुधरी रा लुगाई टाबरिया वो बाली कने है और थोड़ा टाबरिया वो रावण ले लियो है थे उनी मदद करो तो वो थोड़ी मदद जरूर करेला। अरे जड़े लक्ष्मण जी खाता पड़न के वो है कते पता कने अड़मा जी हाथ तो करियो के थे भाकर टीकोली माते बैठा लक्ष्मण जी के अपर बाप दादो को छड़ी छड़ी। अरे हनुमान जी के चिंता मत करो चढ़ा मैं दऊ एक फोटो अपन घर में वेला क्यों जी राम जी लक्ष्मण जी कंधो माते बैठा है और हनुमान जी आकाश में उड़ता और फोटो वेला वो ऋषि मुख पर्वत रो फोटो है और हनुमान जी महाराज राम जी ने लक्ष्मण जी ने ले जा और सुग्रीव दोस्ती करावे और कहीं बात है क्योंकि देखो रामायण सजनों हकीकत भी बात है जहाँ जिस घर में रामायण हुए हैं बट मन पवित्र तन पवित्र सब पवित्र क्योंकि स्पष्ट तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं कि श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना हनुमान चले ना राम जी के बिना जहाँ कथा होती है हरकी वहाँ रुचि नहीं रहती नर की या तो सोचा वही या बात करे घर की बिन भाग बिना मिलता नहीं दुनिया में मेरे से भोग क्योंकि हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी विशेष क्यों के जटे राम जी ने चरता वे उठे विशेष तो हनुमान जी महाराज बिरा दिया और जटे हनुमान जी ने चरता वे बटे राम जी और सीता जी जोड़े तो तुलसीदास जी देखो आज रामायण के कितने कितनो बड़ो नाम है और कहीं तुलसीदास जी शब्द लिख क्या और ओ प्रसंग में जेड़ो हुनारी हो अगर थोर टीवी में रामानंद सागर जी टीवी में रामायण आया करे अगर बात और देखड़ी है और कोई भाव राखो तो हकीकत में वो थोर दर्शी आंखे और देखे घूमेला आप की बात गारंटी है तो कहवे ओ दिनेश सुगरी